सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अनीता में। आज मैं आपको ओनियन रवा डोसा बनाना बता रही हूँ, एकदम क्रिस्पी ओनियन रवा डोसा। ये बनाना बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ और अच्छा क्रिस्पी बनता है और ये अच्छा ब्रेकफास्ट भी है। तो चलिए आइए देखते हैं क्रिस्पी ओनियन रवा डोसा। रवा डोसा बनाने के लिए मैं एक बाउल ले लीजिए। सबसे पहले मैं ये 100 ग्राम रवा है सूजी, मैं उसे डाल रही हूँ। नहीं चावल का आटा, 100 ग्राम चावल का आटा और ये 4 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। ये एक मीडियम साइज प्याज है, चॉप किया हुआ प्याज। एक चम्मच में बीटरूट भी डालूंगी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अदरक और हरी मिर्ची का एक चम्मच ये मैं पेस्ट डाल रही हूँ। स्वाद के लिए नमक और इसमें हम एक चम्मच दही डालेंगे, एक चम्मच, एक फुल भरा हुआ चम्मच दही डालेंगे। बिल्कुल इसे हम एकदम एक पतला, जैसे बिल्कुल पतला जैसे बटर मिल्क बनाते हैं अपने, बिल्कुल वैसे इसकी इसे घोलना है, उसी हिसाब से इसे घोलना है। बिल्कुल ऐसे को जैसे अपन बटर मिल्क जितना पतला होता है ना, बिल्कुल दूध बटर मिल्क जैसे, बिल्कुल उसी हिसाब से ये हम पतला घोल देंगे। देखिए देखिए बिल्कुल ये फ्लोइंग, बिल्कुल इस तरह से। इसे हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन इसके साथ खाने के लिए चटनी चाहिए, तो मैं चलिए चटनी बना लेते हैं। जब तक रवा डोसा के साथ खाने के लिए मैं मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दिया है गैस के ऊपर। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, आधा चम्मच तेल इसमें डालेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, थोड़ी सी राई, राई जब तड़क जाए तो उसमें ये 2-3 कलियां लहसुन की, 2-3 टुकड़े अदरक, थोड़ी हरी मिर्ची, 2 हरी मिर्ची मैंने डाली है, एक छोटा प्याज, 2-4 पीस करके मैंने डाल दिया, इसे थोड़ा पकने दो। करी पत्ता भी मैं डाल दूंगी साथ में। फिर मैंने ये एक कटोरी मूंगफली लिया है, मैं मूंगफली डाल रही हूँ, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। साथ में मैं आप फ्रेश नारियल और एक टुकड़ा नारियल का लें, कच्चा नारियल, इसे आप के साथ में अच्छी तरह से इसे सेक लें। और ये अच्छी तरह से जब सीख जाए तो या तो आप इसे दही के साथ इसका इस पीस लें, या फिर आप इसमें एक ज़्यादा इमली न डालें, बस ये एक टुकड़ा इमली डालकर और पानी से पीस लें। मूंगफली सीख गई है, देखिए ये सोनी सोनी हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और ये जब थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए तो आप इसे दही के साथ, यानी तो फिर मैंने बताया कि आप एक ये इतनी बड़ी इमली के साथ इसे नमक डाल करके पीस करके चटनी तैयार कर लें। देखिए ये रवा डोसा बनाने के लिए इसकी बिल्कुल बिल्कुल डाइल्यूट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो हम मिलाकर देख लेते हैं। हाँ ये बिल्कुल, इसमें अब और पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बनाते हैं, डोसा बनाते हैं। मैंने ये इस तरह का एक पैन ले लें और इसे थोड़ा पोंछ दें,
पोंच करके हल्का तेल से इसे ग्रीस कर लें। तवा को अच्छी तरह से गर्म होने दें और देखिए इसे अच्छी तरह से ये ऐसे घोल करके इसे लें और बिल्कुल ऊपर से डालें, पहले साइड साइड से डालें। पहले साइड से डालें, गोल 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 घुमाते हुए इसे साइड साइड से डालें। जहाँ जहाँ थोड़ा गैप आ रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा ये डालें। इसे फैलाने की ज़रूरत नहीं है और आँच हमेशा तेज ही रखें। फिर थोड़ा सा तेल किनारे किनारे से डालें। देखिए ये चारों तरफ से छेद छेद वाला बिल्कुल अच्छा सा दिख रहा है। ये मैंने बीच बीच में ये बीटरूट भी डाल रखा है ताकि दिखने में सुंदर कलर अच्छा लगता है। स्पून की सहायता से देखें अच्छा सा क्रिस्प और थोड़ा ब्राउन जैसा हो जाए तभी इसे कोशिश करें निकालने की। देखिए बिल्कुल ऐसे ये गोल्डन ब्राउन जैसा होने लग जाएगा। तो आप फिर इसे पलटने की कोशिश करें। चलिए देखिए ये मस्त डोसा तैयार हो गया। मैं इसे देखिए ये हमारा मस्त क्रंची क्रिस्पी डोसा रवा डोसा तैयार है। आप बनाएं और खाएं। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रवा डोसा चटनी के साथ आप ज़रूर ट्राई करें, सच में टेस्टी लगता है और एक अच्छा ब्रेकफास्ट है ये। तो बताएं हमें ये डोसा आपको कैसा लगा, ये रवा डोसा आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।